घुटने के दर्द से जूझ रहे थे शाहरुख खान, फिर भी एसआरके ने किया था एक्शन सीक्वेंस शूट और जब फिल्म आई तो दर्शकों ने इसे ठीक रिस्पांस भी दिया था। तो आखिर ये कौन सी फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को घुटने में बेहिसाब दर्द था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर फिर भी शूटिंग जारी रखा। शाहरुख खान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो कड़ी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब यही बात रईस फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने बताई है। उन्होंने खुलासा किया कि रईस की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के घुटने में बहुत दर्द था, फिर भी उन्होंने शूटिंग की थी। शाहरुख खान की फिल्म रईस साल 2017 में आई थी और फिल्म ने औसत कारोबार किया था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करने में नाकाम रही, लेकिन शाहरुख ने इसे परफेक्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त शाहरुख फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे उस वक्त उनका घुटना इंजर्ड था। घुटने में दिक्कत होने के बाद भी शाहरुख खान लगातार एक्शन सीन शूट कर रहे थे। इंटरव्यू में राहुल ने बताया, शाहरुख के घुटने में दिक्कत थी, उनके घुटने में सूजन थी और हमें उस वक्त एक्शन शूट करना था। उनके घुटने में बहुत दिक्कत थी और बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप इसे कैसे करेंगे, उन्होंने कहा चिंता मत कर यार, मैं कर लूंगा। और जिस तरह से वो अपने पैर जमीन पर रख रहे थे तब हमने रिटेक लिए तो मैंने एक्शन डायरेक्टर से कहा कि जाने दो, पर शाहरुख ने कहा था कोई बात नहीं मैं कर लूंगा यार। फिल्म डायरेक्टर राहुल ने आगे बताया था कि शाहरुख बड़ी आसानी से फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख बेहद सिक्योर एक्टर हैं और वो अपने आसपास के लोगों को खूब इंस्पायर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, शाहरुख आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, वो इनसिक्योर एक्टर नहीं है, वो इनसिक्योर इंसान भी नहीं है और वो दूसरों को इंस्पायर करने वाले हैं, वो आपकी साइड ही रहते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।